नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। अब आ गया है ओटीटी का जमाना, एक से एक बेहतरीन पिक्चर्स जो हैं वो ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं। थिएटर पता नहीं कब खुलेंगे, हमें नहीं पता। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है दोस्तों, तब से ही बड़े बड़े थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन थिएटर, हर कोई जो है शटडाउन करके बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में एकदम से रिलैक्स बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि थिएटर ओनर्स की तरफ से एक कुछ चीज़ें बाहर आई थी जो मैंने आपको बताई थी बातें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि खुले, बट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बट ऐसे में जो बॉलीवुड का काम रेडी है उसे आने से आप कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भरपूर मात्रा में आने वाली हैं कुछ फिल्में। शुरुआत तो कर दी है गुलाबों सिताबों ने, जो कि अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई। अब मैं इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को बताऊंगा कि कौन कौन सी फिल्में जो हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दस्तक देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बुल की। अभिषेक बच्चन आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों एक सिंगल इंडिविजुअल फिल्म करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन एक पोटेंशियल एक्टर हैं, ये बात हम जानते हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरु में प्रूफ किया, जिन्होंने अपने आप को युवा में प्रूफ किया, बंटी बबली कैसे भूल सकते हैं। अभिषेक बच्चन ने दोस्तों जो है बिग बुल में काम किया, और ये बिग बुल जो है ये अजय देवगन प्रोड्यूस करके ला रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तो शकुंतला देवी की। अमेज़न प्राइम पे ये फुल फ्लेज रिलीज होने वाली है, जो कि विद्या बालन की फिल्म है। इसका दोस्तों एक फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ, साथ ही साथ विद्या का लुक भी रिवील हुआ, जो कि शकुंतला देवी जैसा ही सेम टू सेम लग रहा है। देखने में एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। तीसरी जो फिल्म है वो है गुंजन सक्सेना, जो कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, करण जौहर की फिल्म है। बताना चाहता हूं दोस्तों गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पे जल्द रिलीज होने वाली है, और इसको लेकर खुलासा खुद करण जौहर साहब ने किया था दोस्तों अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों बुलबुल की। बुलबुल वो फिल्म है जिसे अनुष्का शर्मा प्रोड्यूस करके ला रही हैं दोस्तों, और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे 24 जून को रिलीज होने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर अनुष्का कि वो अलग अलग एक्टर्स के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, चाहे वो परी हो, चाहे वो बुलबुल हो, चाहे वो पाताल लोक हो, या फिर और उनके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट अनुष्का, आप जो है आपके थोड़े से स्टेप से ही ये चेंज हो सकती है इंडस्ट्री, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब की। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होने के फुल चांसेस हैं, और ऐसे में इस बात की जानकारी तो खुद आपको बता दूं तो बड़े से ट्रेड एक्सपर्ट मिस्टर कोमल नाहटा ने भी बोली थी बातें कि लक्ष्मी बॉम्ब जो है हॉटस्टार डिज्नी प्लस में रिलीज हो सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों सड़क 2 की, जो कि महेश भट्ट की फिल्म है। महेश भट्ट एज अ डायरेक्टर आ रहे हैं। सड़क उन्होंने डायरेक्ट की थी संजू बाबा और पूजा भट्ट की, फिर उसके बाद अब दोस्तों आलिया भट्ट, संजय दत्त, पूजा भट्ट और साथ ही साथ आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म के अंदर कास्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की। अगस्त 2020 यानी 2020 में रिलीज होने वाली थी दोस्तों अजय देवगन साहब की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये फिल्म जो है ओटीटी प्ले पे रिलीज होगी। हालांकि फैंस ने इस पर बवाल भी किया था, और फैंस कह रहे थे कि नहीं भाई, हमें अजय देवगन की फिल्म जो है वो देखनी है बड़े पर्दे पर। लेकिन दोस्तों जो सिनेरियो चल रहा है उसमें फिल्म को ऐसे ही रखना, इट्स नॉट गुड आइडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स मीमी। मीमी फिल्म है दोस्तों कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की, जो कि मैडॉक फिल्म्स की तरफ से आई है, जिन्होंने स्त्री या फिर राब्ता जैसी फिल्म बनाई। सो गाइस, ये फिल्में कुछ आ रही हैं, और आप लोगों का क्या रिएक्शन है मैं जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। किस फिल्म के लिए आप बहुत एक्साइटेड है और किसके लिए ल्यूकवॉर्म है, कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, चलता हूं मैं। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहाँ पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।